प्रभु जी, आई एम सो मैं इतना आपका आभारी हूँ प्रभु। आप लोग जो है जिस तरह से माहौल बना दिया है ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम कलयुग में जी रहे हैं और हम बंबई में रहते हैं। इतना सुंदर माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है प्रभु जी हम सतयुग में हैं और हम कृष्णा के धाम में ही बैठे हुए। इतना कमिटमेंट, 21-21 घंटा जपा करना और वो भी साथ में कमिटेड रहना, और किसी को जो है शुरुआत में बता देना, फिर बाद में वो का वही चीज आपको मेंटेन करने के लिए पूछना भी नहीं। ये दिखा रहा है प्रभु अंदर से टेस्ट आ रहा है। जब ये अंदर से टेस्ट इतना सुंदर आ रहा है ना प्रभु, ये कृष्णा की कॉजलेस मर्सी आई नहीं करो ना यार। आप जो है प्रभु ये इसको चीपली मत लेना। ये बहुत आपको ऊंची चीज मिली हुई है, और ये जब ऊंची चीज जब भी मिलती है ना, तब कृष्णा उसकी कीमत भी मांगता है, और उसकी कीमत ये होती है प्रभु, उसको आप प्रायोरिटी समझो अपनी लाइफ के अंदर। इसकी लाइफ में प्रायोरिटी समझ लेना प्रभु, इसके सामने दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए हमको। और ये प्रायोरिटी हम कैसे बताएंगे, जैसा हम अभी इस बार का जो हमने नियम बनाया है कंसिस्टेंसी। अभी आप देखो प्रभु जी, आज जिस तरह से आपको जो है, आपको खुद को रियलाइज होगा, आपने जपा करने के बाद में आपको अंदर से आवाज आएगा प्रभु कि आपको हकीकत में कृष्णा के साथ में आप आगे आ रहे हैं। आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्यादा प्रफुल्लित हो रही है, आपका कृष्णा बहुत आपके हृदय में फिक्स हो रहा है, आपको जो है बाहर की जो टेम्पटेशन एल्योरमेंट वो सब चीज दब रही है, क्योंकि कि कृष्णा आपके हृदय में आ गया है। प्रभु जी डोंट टेक इट चीपली, विद ग्रेट ग्रेट डिफिकल्टी। ये जन्म क्या, बहुत करोड़ों जन्मों के बाद में ऐसा कोई अच्छा एसोसिएशन और अच्छा माहौल हमारे लाइफ में आ गया है। प्लीज डोंट टेक इट चीपली। बहुत 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 भाग्य से मिल गया है अपने को। इसको बराबर पकड़ करके रखे, और पकड़ करके रखने का मतलब ये है जस्ट टेक दिस वेरी सीरियसली। जिस तरह से अभी हम लोग ने बताया, जो विपुल प्रभु ने मुझे बताया कि हम 200 डिवोटीज में हम लोग 150 डिवोटीज जो है प्रभु, ये 150 डिवोटीज जो है उन्होंने ये कंसिस्टेंसी का कमिटमेंट लिया है कि हम पूरे साल जो है प्रभु इस हिसाब से हम मिनिमम 50% अटेंडेंस देंगे। ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको कृष्णा को पूरा बताना है कि आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम माई वर्ड्स बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्शन। आई एम सीरियस अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं सीरियस हूं। मुझे पक्का पता चल गया है कि हरिनाम के सिवा मेरा कोई दूसरा आसरा नहीं है, और इसके लिए मैं पूरी तरह से मेरे एक्शन से बताना चाहता हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है प्रभु जी। अभी 2-3 चीज मुझे खास बता देनी है आपको, मेहरबानी करके माता जी और प्रभु जी, डोंट बिकम प्राउड। हाँ प्रभु, आपने जो कुछ भी आज जो सेवा हम लोग ने सबने किया है ना, वो बहुत एक्सेप्शनल सेवा है। और जो है कोई भी व्यक्ति हमको हमको सुनेगा ना, तो उनको ऐसा लगेगा हमने जो है वी हैव बिकम ए वेरी एडवांस डिवोटी, इन मैच्योर डिवोटी, इन सीनियर डिवोटी। प्रभु जी हमको खुद को पता है हमारी क्या औकात है। हम जो है पहले जो है आज से 2-3 साल पहले तो जो है प्रभु हमारा 16 माला भी कैसा होता था हमको खुद को पता है। 2 माला सुबह में, 2 माला शाम को, शाम को घर पे आने के बाद में बाकी की माला, और कभी कभी रात को सोते सोते माला होती है, और कभी कभी तो सोते सोते भूल जाते थे और दूसरे दिन जो है पहले दिन के माला खत्म करते। ये हमारी औकात थी प्रभु, और उसमें से वो 16 माला का भी जो है एडजस्टमेंट नहीं होता था, उसमें से हम 192 राउंड माला कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रभु जी ये कृष्णा की कृपा से ही हुआ है। ये कृष्णा की कृपा, भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा, परंपरा की कृपा, स्पेसिफिकली हरिदास ठाकुर और राधा रानी की कृपा से मिली हुई। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, चेक करते रहना कि मेरे में कोई प्राइड ना आ जाए। अगर वो प्राइड आ जाएगा ना, तो प्रभु कृष्णा विल नेवर टॉलरेट दिस प्राइड। कितने एग्जाम्पल से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कि जिन लोगों ने जो है जीवन के अंदर फॉल्स प्राइड आ जाता है, तो कृष्णा सब उनके पास से खींच लेता है। और हमको जो मिला है ना प्रभु, हमको खुद को पक्का पता है हमारी कोई औकात नहीं है, कोई भी व्यक्ति की औकात नहीं है जो हमको ये अभी दे रहे हैं हम लोग। तो प्रभु प्लीज डोंट बिकम प्राउड। प्लीज प्रभु जी, सब चीज टूट जाएगा, सब चीज चला जाएगा प्रभु। तो मेहरबानी करके ये हमको ये समझ लेना है कि प्राइड ना आ जाए। दूसरा, हो सकता है बहुत थोड़े डिवोटीज ऐसे हो गए कि जिसका 192 राउंड अभी नहीं हुआ है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल है ना तो खत्म करो। कब ये लाइफ में चांस मिलने वाला है भाई? इतना भक्तों के संग में इतना माला हो गया, थोड़े के लिए क्यों अटक जाते हो? कभी कभी संघर्ष नहीं करते ऑफिस के अंदर, ओवर टाइम नहीं करते, और ओवर टाइम करते हैं तो बाद में भी कुछ बोलते नहीं है ना
इधर थोड़ा ओवर टाइम कर लो ना कृष्णा के लिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ प्रभु, ये लाइफ में जो है ना, ये जो आपने ओवर टाइम कर लिया होगा ना आज कृष्णा के लिए, दैट विल बी अ लास्टिंग एक्सपीरियंस टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। कर लो ना, थोड़ा खींच लो ना कृष्णा के लिए, क्या फर्क पड़ता है। एक हाथी का हाथी पूरा निकल जाता है और पूछ के लिए हाथी को वापिस अंदर नहीं आना चाहिए ना, ऐसा ही अपना हाथी निकल गया, अपना पूछ ही बाकी रह गई है। तो पूछ के लिए जो है प्रभु, थोड़े से लिए अटको मत, खत्म कर लो। विपुल प्रभु विल डेफिनेटली अरेंज इट। हम किस तरह से अभी अरेंजमेंट करेंगे आपको कि जो है आपका जो है कोई भी हालत में आपका जपा, जो भी भक्त जो बाकी बचे हैं वो भक्त लोग साथ में ही रहे और साथ में जपा करें, यानी एक दूसरे को एंकरेज करें और वो एंकरेज करके बाकी ना खत्म करो प्रभु, पूरा खत्म करो। इधर सिर झुका है तो पूरा झुका दो बाबा, कब ये चांस मिलने वाला है ये। और मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, ये इंप्रेशन आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। जब भी आपके लाइफ में सब आपको एक अंदर से एक नेगेटिव फोर्स आएगा ना कि ये मैंने ऐसा खोटा काम किया है, मैंने ऐसा काम किया है, मैंने ऐसा किया, मेरे को धिक्कार है, मैंने क्या कर लिया है लाइफ में, तभी एक अंदर से एक शाइनिंग लाइट आएगी आपके लाइफ में। मैंने एक दिन कृष्णा को पूरा दे दिया था, उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने कृष्णा को पूरा दिन दे दिया था। और वो उस दिन मैंने पूरा दिन तो दिया लेकिन बाद में मैंने पूरी रात भी कृष्णा को दे दिया, और मोर देन 24 आवर्स आई चांटेड फॉर कृष्णा। वो जो है ना वो आपको बहुत सोलेस दे देगा आपकी लाइफ में। व्हाई नॉट वी डू दैट प्रभु, थोड़े समय दे दो ना। और बेसिकली कल सैटरडे भी है, ज्यादा करके तो लोगों को वीकेंड रहता है, और जब काम खत्म करने के बाद में यू टेक रेस्ट। कल का दिन जो है हम लोग ने कंपलसरी नहीं रखा है जपा का, हम जपा नॉर्मली चालू रखने ही वाले हैं लेकिन हमने कंपलसरी नहीं रखा है। मैं खुद भी थका हुआ हूँ, मुझे भी अच्छी तरह से नींद चाहिए अभी, तो मैं जो है मैं कल सुबह में जपा में नहीं आने वाला हूँ। लेकिन प्रभु आप जो है कल जो है मत आइएगा अगर थक गया है तो, रविवार से हमारा नॉर्मल जपा चालू हो जाएगा एज यूजुअल। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है अगर पॉसिबल है तो प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज। इधर तक आगे तक आगे और वापिस भी चले जाते हैं भाई, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है खींच लो। और भक्तों के संग में पॉसिबल है, आप अकेले नहीं कर पाओगे, तो अभी भक्तों का एक माहौल बन गया है। और सब भक्तों का मेरा रिक्वेस्ट है जिनका बाकी बच्चा है ना, प्लीज स्टे विथ अस। विपुल प्रभु आपको बता दे कि क्या सिस्टम हमने अरेंज किया है, तो वो सिस्टम के मुताबिक हम सब साथ में बैठ जावे और साथ में बैठ करके हमारा जपा खत्म करिए। डोंट कॉम्प्रोमाइज, इधर तक पहुंच गए हैं, ऐसा कहा गया है ना कि जो है ना हम जो है कैलाश तक पहुंच गए, कैलाश तक पहुंचे और कैलाश के गेट के पास जो है बहुत बर्फ गिर रहा था तो हम वापिस आ गए, तो हम मूर्ख है। वहां तक पहुंचने के बाद में वापिस घर पे आ जाने का और खाली स्नान भी नहीं करने का, दैट इज नॉनसेंस। ऐसा ही अपना हालत हो जाएगा कि हमने जो है 192 तक पहुंचने थे, पहुंचे थे 150 140 ऐसा जो भी है वो किया और बाद में जो है वहीं पे लटक गया। लास्ट टाइम मुझे पक्का पता है, लास्ट ईयर में हम लोग का जो है 11 बजे जब खत्म हुआ तब डिवोटीज ने बोला कि जो है आप हमको अभी थोड़ा बाकी है, तो मुझे पक्का याद है 205 डिवोटीज में 66 डिवोटीज ने वापिस बैठे थे, और वो सब 66 डिवोटी साथ में बैठ करके उन्होंने जपा चालू किया और वो दूसरे दिन सुबह में 6 बजे तक जपा किया है। लेकिन हरेक डिवोटी ने 205 के 205 हरेक डिवोटी ने 192 खत्म किया है। प्रभु जी आई हम्बली रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी डिवोटी, अरे एक दिन दे दो कृष्णा के लिए। इंद्र तृप्ति के लिए पूरे जीवन दे दिया तो एक दिन कृष्णा के लिए देने में क्या वांदा है, दे दो एक दिन, क्या फर्क पड़ता है। कल वैसे भी छुट्टी है, और अगर छुट्टी नहीं है तो दूसरे दिन छुट्टी ले लो। दूसरी सब जो है ना बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी में उधर उधर एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन कल के लिए आज का दिन और कल का दिन कृष्णा के लिए दे दो इफ इट इज रिक्वायर्ड। इधर तक पहुंचे हैं थोड़े के लिए क्यों अटक जाते हो प्रभु जी, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। इधर तो पहुंचे हो, थोड़े के लिए बाकी मत रखो। और वी विल गिव यू ऑल द फैसिलिटीज दैट विपुल प्रभु विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, आपके साथ में डिस्कस करके वो बराबरी तक कर लेंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है तीन चीज प्रभु, डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस एसोसिएशन। कृष्णा ने बहुत बड़ा पारसमणि अपने लाइफ में दे दिया है। दूसरा, डोंट बिकम प्राउड, दिस इज एक्सेप्शनल, कृष्णा की कॉजलेस मर्सी हमको मिली है। और तीसरा, जो भक्त का नहीं हुआ है प्लीज खत्म कर लो, थोड़ा स्ट्रेस कर लो लेकिन खत्म करो। और फाइनली प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो, मैं भी आपके जैसा हो जाऊं, सेम वे स्ट्रगल करके पूरा खत्म करे।
और अभी हमारे लाइफ में अभी एक ही मकसद होना चाहिए, कृष्णा आई वॉन्ट यू नाउ। बहुत दुनिया में मार खा लिया मैंने, बहुत मार खाया प्रभु जी। आप लोग तो ज्यादा करके लोग तो जवान भी हो, मैं तो 60 साल का हो गया हूँ, मैंने बहुत फटके खा लिए है। और अभी एक कंक्लूजन जीवन में आ गया है, यहाँ पे मजा नहीं है, यहाँ पे मजा नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि अभी भी मजा करूंगा, वो कृष्णा को इंडिकेशन और दे रहा है कि मुझे कृष्णा और मार खाना है, यहाँ पे मजा नहीं है प्रभु। आज का 192 राउंड्स करके वी वांटेड टू प्रूव टू हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर आई वॉन्ट ए टेस्ट इन चैंटिंग एट एनी कॉस्ट ना, क्योंकि मुझे अभी पक्का पता चल गया है कि हरि नाम के सिवा मेरा कोई आस्था नहीं। और जैसा जैसा मेरा हरि नाम का टेस्ट बढ़ेगा, ऐसा ऐसा मुझे नरिशमेंट मिलेगा, और जैसा जैसा नरिशमेंट मिलते जाएगा ना, ये मेरे अंदर के सब अनर्थ और दो सब चीज जो है ना, आपो आप कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि जो है कृष्णा मेरे हृदय में फिक्स हो जाएगा। बिकॉज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा होली नेम एंड कृष्णा, और इसी के दैट इज द ओनली वे आई हैव। राधानाथ महाराज का एक वाक्य मुझे इतना अच्छा लगता है, उन्होंने एक वाक्य बोला है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर ए पर्सन हु हैज गॉट ए टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये चीज जो है ना प्रभु, कोई वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने अपने हरिनाम के लिए जो है ना अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया और वो रियलाइज हो गया, रियलाइज हुआ है, तभी ये वाक्य बोल सकता है। हमको उनके पास से सीख लेना है, टेक इट वेरी सीरियसली एंड आ जाओ ना प्रभु जी। वन थिंग वंस अगेन आई टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, वी हैव एब्सोल्युटली नो मटेरियल मोटिवेशन विद ऑल ऑफ यू। हमको आपके पास से कुछ भौतिक चीज की दृष्टि से कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कोई हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, हमको कोई मंदिर बनाना नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही चीज है, हम सब साथ में आवे, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को एंकरेज करें, और शुद्ध नाम जैसा हरि नाम बढ़ाते जावे, और आइडियली ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग में एटलीस्ट पहले जो है 16 माला करें और फिर बढ़ाते जाए, यही हमारा मकसद। और जितना ज्यादा से ज्यादा डिवोटी आएंगे, उतना हमारा उत्साह और उमंग बढ़ते जाएगा, और वी विल बिकम मोर एंड मोर फोकस एंड फिक्स्ड अप। दिस इज द ओनली गोल वी हैव प्रभु। सो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी एंड आई विल ऑल्सो प्रे फॉर यू। और थोड़ा प्रभु जी ये सब चीज के अंदर बहुत पिछले एक महीने से ज्यादा मैं तुलसी का जब गड़बड़ हुआ बीच में, तो ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे लग भी नहीं रहा था कि हम ये 192 कर भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन उसकी हेल्थ भी सुधर गई और फिर सब बराबर ठीक ठाक आ गया, तो फिर देन वी डिड इट। लेकिन इस बार जो है प्रभु हमने थोड़ा अलग रीत से देखा था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि एक साल हो गया है और डिवोटी ने थोड़ा रियलाइजेशन भी ले लिया है, तो वाई नॉट वी शेयर, डिवोटी शुड शेयर द रियलाइजेशन उनके लाइफ में क्या फर्क आया। और मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ बहुत डिवोटीज जो जिस तरह से मुझे बात करते हैं, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी हरि नाम में दिया है उनके लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन आया। टेक माय वर्ड्स प्रभु, कंसिस्टेंसी हैज मेड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। और उसके वजह से पिछले 10 दिन के अंदर हमने हर एक डिवोटी जिसने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया उनका रियलाइजेशन देखा है, और वो सब लोग में से आपको समझ में आएगा कि उनके लाइफ में जबरदस्त परिवर्तन आया है। मेरा रिक्वेस्ट ये है उनको देख करके, वाई नॉट वी ऑल्सो इम्प्लीमेंट इन अवर लाइफ। आ जाओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, वी आर नॉट आस्किंग यू समथिंग मोर। 16 माला करनी है तो 16 माला ही मांग रहे, खाली टाइमिंग चेंज करना है, भक्तों के संग में करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, दैट्स इट। मंडे टू फ्राइडे हम 16 माला ही मांग रहे, और वीकेंड है तो वीकेंड के अंदर जो है फ्री टाइम है तो फ्री टाइम की जगह पे हम 16 की जगह पे 32 मांग रहे, उससे ज्यादा नहीं मांग रहे। टेक माई वर्ड्स, हम लोग जो महीने में एक दिन जो है 64 माला करते हैं, उसको हम अटेंडेंस में इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मत आइए 64 में। अगर एकादशी के दिन भी हम जो 12 बजे तक माला करते हैं उसके अंदर भी मत आइए अगर आपका प्रॉब्लम है तो। लेकिन ये मेंटेन करिए जिससे जो है प्रभु हमारी कंसिस्टेंसी आएगी, और कंसिस्टेंसी जो है कृष्णा हमको सीरियसली लेगा, और जैसा कृष्णा सीरियसली लेगा हमको उनकी अहेतु की कृपा मिलेगी, और वो अहेतु की कृपा से हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टेडी हो जाएगी। दिस इज वॉट वी वॉन्ट। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु, फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी डिवोटी। इम्पॉसिबल चीज आप पॉसिबल कर रहे हो। कितने डिवोटीज, आई कैन से मोर देन 80% मैंने डिवोटी को फिजिकली मिला भी नहीं हूँ, लेकिन आपका उत्साह उमंग इतना मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग जन्मों जन्मांतर से हम साथ में ही है। भले अभी अगर फिजिकली नहीं मिले होगे, लेकिन योर 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 योर
commitment, your sincerity is really, really attracting me so much. So I'm so much grateful to each and everybody. अगर मुझे मिलता था ना तो मैं प्रभु चरण एक एक व्यक्ति का चरण पकड़ता था, मेरे सिर के ऊपर रखता था और आपको दंडवत प्रणाम करके बोलता था थैंक यू वेरी मच. बट हम फिजिकली मिल नहीं पा रहे, आई जस्ट हैव टू डू इट इन माय हार्ट इटसेल्फ फॉर इट. थैंक यू वेरी वेरी मच. हरि बोल.